स्वागत है आपका ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड चैनल पे। आज आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि वन डे के पपी से लेकर वन ईयर तक के पपी को हम लोग क्या डाइट दे सकते हैं और क्या क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये आपको आज सब बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको 45 डेज या फिर 45 डेज प्लस पपी लेकर आना है, तब तक काफी रिस्क कवर हो चुका होता है और उसकी केयर करनी आसान हो जाती है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम लोग छोटे बच्चे को जो कि वन डे का होता है उसको मदर फूड नहीं प्रोवाइड करवा पाते, या कुछ मदर को हो जाता है या फिर मदर के मिल्क में इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टेंस नहीं होना, कभी भी बेफलो या फिर काऊ का दूध नहीं देना बच्चे को। ये दोनों दूध बच्चे का जो पेट को खराब करेंगे और काफी गैस्ट्राइटिस नाम की या बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो हो सकती है आपके बच्चे को, और पेट खराब रहेगा तो बच्चे की डेथ हो सकती है और डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में बहुत से मिल्क अवेलेबल हैं। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पे, बहुत से ब्रांड्स के मिल्क हैं जो हर ब्रांड की ऑलमोस्ट रेशियो सेम होती है। 100 ml वाटर में, वार्म वाटर में 30 ग्राम पाउडर मिक्स करना होता है और हर 2 घंटे के बाद पपी को प्रोवाइड कराना है। वो मिल्क जो होता है वो हर 2 घंटे के बाद बच्चे को देना होता है आपको। तो कभी भी ये ना सोचे कि 8 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, छोटा जो बच्चा होता है वो मिल्क कम पिएगा लेकिन हर 2 घंटे के बाद उसको भूख लगेगी। सो हर 2 घंटे के बाद कंटिन्यूली आपको 18 से 20 दिन तक उसको ये फूड प्रोवाइड करवाना है। और पपी जैसे ही 18 से 20 दिन का हो जाए तो उसको आप सेरेलैक्स स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं करूंगा और आप किसी भी ब्रांड को यूज कर सकते हैं जो आपके नजदीकी पेट शॉप ऑनर्स हैं या फिर कोई भी अच्छा वेट है आपके पास, तो उससे पूछ लें कि कौन सा सेरेलैक अच्छा रहेगा। वो सेरेलैक आपको अपने पपी को देना है, वो हर 4 घंटे के बाद देना शुरू कर दीजिए। जैसे पपी 18 से 20 दिन का हो जाएगा ना, तो फूड को दो घंटे की जगह पे आपको 4 घंटे के बाद देना शुरू कर सकते हैं जब सेरेलैक आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा सेरेलैक। तो जो मिल्क होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बच्चा थोड़ा पिएगा ना, तो इसीलिए जैसे ही आप सेरेलैक पे लेकर आएंगे तो वो 4-4 घंटे बाद देना स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि डॉग सेरेलैक फूड नहीं खाता, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो मिल्क पे लगा होता है, स्पेशल मदर फूड पे लगा होता है। तो 18 से 20 दिन के पपी जो होते हैं वो सेरेलैक खाना स्टार्ट नहीं करते। तो फर्स्ट 2-3 डेज आप उसमें थोड़ा सा काऊ मिल्क या फिर बेफलो मिल्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बिल्कुल थोड़ा ऐड करना है, इतना ना ऐड कर दे कि वो डॉग को हार्मफुल हो जाए या फिर डॉग का स्टमक खराब कर दे। बिल्कुल थोड़ा सिर्फ एज ए फ्लेवर ऐड करना है। तो 3-4 दिन में आप उसको भी कट करना शुरू कर दीजिए, 3-4 दिन में बंद कर दीजिए और उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वार्म वाटर में ही उसको सेरेलैक को बनाएं, दूध बिल्कुल ना दें। जैसे ही पपी 22 से 25 दिन का होगा आप उसे डॉग का डॉग स्टार्टर फूड जो होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको देने के लिए आप चाहे तो उसे ग्राइंड कर लें, अदरवाइज पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही सॉफ्ट होगा आप उसको मैश कर सेरेलैक के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने पपी को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें क्वांटिटी दोनों में थोड़ी कम कर देनी है आप, मतलब के स्टार्टर फूड भी थोड़ा कम डालना है, जितना रेकमेंड किया हुआ उससे थोड़ा कम डालना है, क्योंकि आपको उसमें सेरेलैक भी मिक्स करना है और सेरेलैक भी जितना पहले डालते थे उतना नहीं, थोड़ा कम कर देना है और धीरे धीरे सेरेलैक कट ऑफ कर देना है, सेरेलैक को बंद कर देना है, ओनली स्टार्टर फूड स्टार्ट कर देना है। तो जो स्मॉल बीड्स होती हैं उनके लिए अगर आपको सिर्फ स्टार्टर फूड डालना है तो 30 से 60 ग्राम, और जो मीडियम ब्रीड होती है वो 100 से 150 ग्राम उनको देना होता है, और लार्ज ब्रीड के लिए 150 से 225 ग्राम तक हम उसे स्टार्टर फूड दे सकते हैं। और जैसे ही ये पप जो होते हैं 2 मंथ का हो जाए तो इसमें आप 100 ग्राम मोर ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ही 3 मंथ तक आप उसको 150 ग्राम और ऐड कर देना है। 3 मंथ के बाद जो होता है वो स्टार्ट होता है इनका पपी फूड। जो हम लोग सभी सोचते हैं कि इसमें क्या होता है, जो पपी फूड स्टार्टर या फिर एडल्ट में क्या डिफरेंस होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ फैट, प्रोटीन और इनमें जो मिनरल्स डाले होते हैं उनका डिफरेंस होता है सिर्फ,
और जैसे कि जो स्मॉल ब्रीड सॉरी जैसे जो पपी होता है या फिर प्रेग्नेंट बिचेस होती है, उनको फैट एंड प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए स्टार्टर में फैट प्रोटीन ज्यादा होता है। और एडल्ट डॉग, जो एडल्ट डॉग का फूड होता है, उसमें फैट और प्रोटीन सिर्फ मेंटेनिंग के लिए रखा जाता है, उतना हाई नहीं होता जितना कि स्टार्टर में होता है। सिर्फ इनमें यही डिफरेंस होता है। इसको ऐसा नहीं होता कि अगर हम लोग स्टार्टर फूड जो है अडल्ट को डाल देंगे वो मर जाएगा, या फिर अडल्ट फूड जो पपी को डाल देंगे तो वो मर जाएगा। बस यही है कि उसको हेल्थ वाइज प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर फैट प्रोटीन नहीं मिलेगा। सर्दी के मौसम में एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चे को जब दही देते हैं तो वो ठंडा होता है, छोटा जो पपी होता है उसको सर्दी हो जाती है, वो बीमार हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें, एक बड़े बाउल में गर्म पानी ले लें और उसके बीच कटोरी में दही रखकर उस पानी के अंदर रख दें। ध्यान रखें पानी कटोरी के अंदर ना जाए, दही के साथ मिक्स ना हो, और ऐसे थोड़ी देर के बाद रखने जब रखेंगे तो वो दही जो होता है वो गर्म हो जाएगा। फिर उस दही को पप्पी को आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा ठंडा ना हो और ज्यादा गर्म भी ना हो। जैसे ही पप्पी 4 मंथ का हो तो आपको पप्पी फूड पे स्विच कर देना है उसको स्टार्टर से, लेकिन ध्यान रखिए एकदम से मत कर देना उसे 7 से 10 दिन में जो है स्टार्टर से पप्पी फूड पे लेके आना है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चेक कर लेना। और जो पप्पी फूड होता है वो 1 ईयर तक चलता है, 4 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आपको पप्पी फूड डालना होता है। और जैसे 7 से 8 मंथ तक आपको ये पप्पी फूड होता है वो 3 टाइम देना है, दिन में सुबह दोपहर और रात को 3 टाइम देना है। और 8 से 10 मंथ के बाद जैसे ही आपको लगे कि आपका पप्पी फिट है, और आपको ये फूड 2 टाइम देना है सुबह और शाम, और उसके बाद डॉग को दिन में 3 टाइम मत खाना दीजिए, आप सिर्फ 2 टाइम ही रखिए। पिछली वीडियो के बाद कुछ कॉल्स मुझे आई थी कि हमें छोटे पप्पी को क्या नहीं देना चाहिए, तो मैं आज आपको बता देता हूं कि कोई भी सीड्स, जैसे कि हम लोग एप्पल के सीड्स होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो सीड हो वो नहीं देना, जो सीड्स में आता है जो वो डॉग को नहीं देना। उसके बाद चॉकलेट जो कॉफीन में आती हो, कोई भी चीज जिसमें कॉफीन हो, जैसे कि चॉकलेट, कॉफी, चाय, इन चीजों में कॉफीन होती है, वो चीजें नहीं देनी। और तीसरी चीज होती है जिसमें अल्कोहल हो, वो नहीं देना। जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, ये सब कुछ नहीं देना होता है डॉग को। किसी भी प्रकार का जो मसाला होता है वो नहीं यूज करना होता है डॉग के फूड में हमें। तो प्लीज ये मैं आपको पिक भी डाल देता हूं कि कौन सा फूड नहीं देना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और प्लीज इसे शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो सके इस वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।